सुशांत सिंह राजपूत के केस में रिया चक्रवर्ती इज द मेन सस्पेक्ट। ऐसे में रिया का अचानक गायब होने की खबरें आ रही थी। जी हाँ, ये कहा जा रहा था कि रिया चक्रवर्ती अपनी बिल्डिंग खाली कर अपनी फैमिली के साथ चली गई हैं। लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि रिया के लॉयर का स्टेटमेंट आया है। वेल हेलो गाइज, वेलकम टू मूवीज अड्डा, मैं हूँ ज्योति नाहा। बता दूं आपको कि रिया के लॉयर ने स्टेटमेंट दिया है। उनका कहना है कि रिया चक्रवर्ती कहीं गायब नहीं हुई हैं, बल्कि यहीं पर हैं। एंड बिहार पुलिस की तरफ से मैं आपको बता दूं, बिहार पुलिस के जो डीजीपी हैं उन्होंने हाल ही में इस बात को कहा था कि रिया जो है वो मुंबई पुलिस को तो उन्होंने इंटेरोगेशन के लिए अलाउ किया, लेकिन बिहार पुलिस के सामने ही नहीं आ रही है कि बिहार पुलिस जो है वो उन्हें इंटेरोगेट कर पाए। लेकिन यहाँ पर रिया के लॉयर का कहना है कि बिहार पुलिस ने हमें कॉन्टैक्ट ही नहीं किया है। कभी कभी तो ऐसा लग रहा है कि खुलकर जो है झूठ चल रहा है, खुलकर गुंडागर्दी हो रही है। यहाँ पर बिहार पुलिस आमने सामने आकर कह रही है कि हमें रिया चक्रवर्ती से मिलना है, लेकिन रिया के लॉयर कह रहे हैं कि रिया के लिए हमें ऐसा कोई कॉल नहीं आया है बिहार गवर्नमेंट से या फिर बिहार की पुलिस से, और ना ही ऐसे कोई इंटरोगेशन की खबर आई है, और रिया कहीं भागी नहीं है, रिया यहीं पर है। सो इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। सो अब देखना ये होगा कि क्या कुछ कहती है बिहार पुलिस रिया के लॉयर के इस स्टेटमेंट के बाद। आप लोग एज अ व्यूअर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप मुझे बताइए कॉमेंट सेक्शन में।